धनी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए उसे उन्हीं मापदंडों को अपनाकर तैयार किया जाता है। सो आप पूरा हमारा फैक्ट्री में क्या होता है कि धनिया हम पहले ग्रेड करता है, इसके बाद क्लीन करता है, इसके बाद वो मसाला बनता है, पाउडर बनता है, सही पाउडर स्ट्रेट में करी में जाता है, कुछ दूसरा ब्लेंड में, ब्लेंड मतलब है चिकन मसाला, सांभर मसाला, ऐसा वाला मसाला में जाता है। और इसके बाद एक और प्रोसेसिंग है, वो होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मतलब इसका अंदर का कीटाणु को खत्म करना, उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा होता है, 5 करोड़ 10 करोड़ होता है इस स्टेरिलाइजेशन फैक्ट्री का। सो अभी हमारा प्लान है इस साल में और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए हमारा प्लान है इधर से पूरा प्रोसेस करके केरला भेज के उधर स्टेरिलाइज करके हमारा एक्सपोर्ट और हमारा डोमेस्टिक बिल्डिंग करना। बट लेकिन हमारा अभी पूरा गवर्नमेंट से, हॉर्टिकल्चर से सबको बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि इधर इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए। सो हम अभी ये सोच रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमारा खुद फैक्ट्री इधर डाल के ये पूरा टीम से कोलाबरेट करके पूरा इधर से एक्सपोर्ट शुरू करना। अब हमारा यूनिट लगने के बाद यहाँ पे कम से कम किसानों को 30% बाज़ार मूल्य ऊपर मिलेगा क्योंकि हमारा सीधा माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होएगा। फायदा ये रहा कि अब खेत में ही उत्पादन की प्रोसेसिंग करके सीधे मूल्य संवर्धन कंपनियों को एक्सपोर्ट करने के लिए बेच सकते हैं। बिचौलियों की छीजत से अब छुटकारा मिला है। हमारा इस साल का लक्ष्य है 15,000 क्विंटल का प्रोसेस करने का। हालांकि मेरे पास तो 250 क्विंटल ही होता है, बाकी मैं आसपास के जितने भी किसान हैं उनसे सीधा माल लूँगा तो उन किसानों को भी सीधा रेट में कम से कम 25 से 30% फ़ायदा होगा, जो कि अभी तक बीच में मंडियों के द्वारा आढ़तियों को लिया जा रहा था, वो फ़ायदा सीधा किसानों को मिलेगा। उससे सारे एरिया के किसानों को आने वाले समय में बहुत बेहतर फ़ायदा होगा और जो फायदा अभी दूसरे लोगों को मिल रहा था वो अब सीधा किसानों को मिलेगा। धनिये की प्रोसेसिंग यूनिट में मात्र ग्रेडिंग और पैकिंग ही नहीं बल्कि ब्लेंडिंग और जीवाणु रहित करने जैसी यूनिट लगाकर राजस्थान के किसान सीधे एक्सपोर्ट करें तो राजस्थान के मसाला उत्पादन में क्रांति आ सकती है।